फाइनली जल चला गया बाबा का, इनको भी चढ़ा लिए, पार्वती मैया को भी चढ़ा लिए, और जिसके लिए प्रे कर रहे थे बाबा जल ले लीजिएगा ले ही लिए। कल से जो हालत हुआ है आते आते आज जल चढ़ाने के चक्कर में आइए आप समझ सकते हैं। ये जगह जगह जो निःशुल्क सेवा शिविर का सेवा भाव है उसको देखकर यार क्या बताएं, एकदम सुकून मिलता है। जगह जगह निःशुल्क सेवा शिविर लगाए हुए हैं हमारे बम्बई और बहुत अब जाकर के पानी का दर्शन हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। इधर देख सकते हैं नज़ारा, शानदार व्यू है भाई बुरियारी का यार एकदम। हेलो नमस्ते प्रणाम हर हर महादेव बोल बम। और आज दूसरा दिन रात में रुके थे सुइया में और आज सुइया से निकले हैं सुबह में, चल रहे हैं देख सकते हैं आप। अभी तो काफ़ी भीड़ है सुबह सुबह का, बहुत ही सुहाना मौसम, पैर भी थक चुका है। चलिए चलिए बम बोल बम। बोल बम बोल बम। रात में रुकने के बाद जो नींद आया भाई बता नहीं सकते, इतना अच्छा नींद आया। उसके बाद नींद टूटा और फिर बस चलने का प्रक्रिया जारी कर दिए। 3:30 बजे फिर से निकल गए और अभी पहुँचे हैं, बज रहा है 5:30। रात में रुकने के बाद जो नींद आया भाई बता नहीं सकते, इतना अच्छा नींद आया। उसके बाद नींद टूटा और फिर बस चलने का प्रक्रिया जारी कर दिए। 3:30 बजे फिर से निकल गए और अभी पहुँचे हैं, बज रहा है 5:30 बज रहा है और अब रखा से अभी 3 किलोमीटर आगे आए। चलिए आइए, मात्र 30 रुपया कार्ड में फूल रंगीन फोटो लीजिए, मात्र 30 रुपया कार्ड, मात्र 30 रुपया। बोल बम बोल बम बोल बम। आओ जी कर लो माता भाई औलाद वाले मुराद वाले बाबा का दरबार में जाने वाले दूध लाबा के लिए अपने भंडार से। फिलहाल आराम पूर्णिया सेवा शिविर में सब लोग का रेस्ट होता हुआ। देवघर के रास्ते में ऐसे ऐसे हजारों पंडाल देखने को मिल जाते हैं जिसमें से एक ये पूर्णिया सेवा शिविर है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था के साथ।
फिर से रास्ते का धूप इतना तेज होता हुआ आप देख सकते हैं, एकदम सूर्य भगवान पूरा मार रहे हैं आग पे ही, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुका है धूप। चलना थोड़ा तो कठिन होगा सबके लिए, लेकिन फिर भी चलेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे तप करने के लिए ही लोग आते हैं। कठिन हो आसान हो जाना है ही, चलना है ही। देख सकते हैं बहुत ही भारी के मात्रा में कांवड़िया अभी भी चल रहे हैं, और अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, अभी तो 7 ही बजे। क्या हुआ बा? ये जगंधर्म को क्या हो गया? और ये देखिए बीच रास्ते में हमको मिले हैं हमारे दोस्त के पिताजी, जो कि अभी आगरा में आयुष है, दोस्त आगरा में रहता है, और उनके पिताजी आए हैं। ये देखिए उनके टीम के साथ आए हैं, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, एक मिल गए और हम पहचान गए, पुलिस पहचान गए। बहुत सारे बंदर जितना बंदर आप देख रहे टीम में, देखिए हाय करी हुई आप लोग बोलिए भी आ जाएंगे, आप चलिएगा तेज सब आ जाएंगे। अभी कुछ देर पहले के मुकाबले अभी तो मौसम ठीक किया है, अभी धूप कम गया है पूरा। ऐसे कुछ देर पहले तो इतना धूप था कि सारे कांवड़िए का हालत ख़राब था, अब ठीक है। और हवा थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा हवा बह रहा है, कैसा कहता बाबा, मीठा मीठा हवा। थोड़ा कांवड़ियों का भीड़ कम गया है, क्योंकि गर्मी था और अब ठंडा किया है, तो अब वो लोग उठेंगे, लेकिन हम लोग तो चलते थे, अभी ही हम लोग भी बैठे ही थे, अभी उठ के आए हैं। तो भीड़ अभी तो दोपहर है, दोपहर में भीड़ कमेगा ही, हमको तो पहुंचना है आज बाबा के दरबार में किसी भी हाल में। देखिए पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते हैं, बाबा का कृपा रहेगा तो पहुँच जाएँगे, और नहीं रहेगा तो नहीं पहुँच पाएंगे, और क्या। और चलते चलते पहुंच चुके गोरियारी नदी, फाइनली गोरियारी नदी अभी जस्ट ठीक किए हैं, और ज़्यादा पानी है नहीं गोरियारी नदी में, उधर मोटर ऊपर से चलाना पड़ रहा है, ये हाल है गोरियारी नदी का। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा रहता था पहले तो डूब जाते थे इतना छाती भर चारा भर, लेकिन अभी तो लगता है खेवना भर पानी होगा, बहुत ही कम पानी है। यहाँ तक तो सूखा ही अभी दिख रहा है, अब जा कर के पानी का दर्शन हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा पानी पीका है। इधर देख सकते हैं नज़ारा, ये शानदार व्यू है भाई गोरियारी का यार, एकदम शानदार। फाइनली आज दूसरा दिन, अभी कल उठाए थे
3 बजे और आज 12:40 हुआ है और गोरियारी नदी पे हैं, ठीक ठाक ही चल रहे हैं। हमारे साथ दादाजी हैं, दादी हैं, बूढ़ी बूढ़ी आदमी हैं, लेकिन फिर भी बहुत चल रहे हैं। अगर अकेले होते चाहे हम दोनों भाई होते तब तो बहुत दूर जा चुके होते, लेकिन दादा दादी भी हैं उनको ले करके चल रहे हैं और वो भी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं, वो भी अच्छे चल रहे हैं। गोरियारी नदी पार कर चुके हैं और अब आगे कांवरिया पश्चिम ओर अग्रसर। गोरियारी नदी से निकलने के बाद अब हम लोग आगे की ओर अग्रसर होते हैं। पानी शुरू में तो नहीं दिखा था, लेकिन थोड़ा बहुत था पानी, लेकिन जैसा रहता है औरों साल ऊँचा पानी नहीं था। इस बार कुमरसार नदी में भी नहीं था और इसमें भी पानी नहीं था। फिलहाल हमारे सारे बमचक आगे जा चुके हैं, बताइए थोड़ा सा हम फोटो खींचने लगते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, क्या करें, छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। नया नया बम है, हम लोग चल ही जाएंगे किसी भी तरह से। अभी आ चुके हैं ये दुम्मा बॉर्डर पे, अभी जस्ट दुम्मा बॉर्डर पे पहुँचे हैं। और ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं दुम्मा बॉर्डर का ये बैनर लगा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है दुम्मा बॉर्डर वाला। और इससे थोड़ी ही दूरी पे है दुम्मा बॉर्डर, बस 1 मिनट और दुम्मा बॉर्डर से दूर हैं। और अभी तक तो बिहार में हैं, लेकिन 1 मिनट बाद चले जाएँगे झारखंड में। बस जस्ट वेट कीजिए, थोड़ा देर में ही चले जाएँगे। ये रहा बिहार द्वार, मतलब बिहार का बॉर्डर इधर, और इससे जस्ट अपोजिट साइड में है बाबा नगरी, मतलब झारखंड द्वार, झारखंड राज्य। और ये देखिए, और इसी का नाम है दुम्मा बॉर्डर। तो फाइनली यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से बाबा का दूरी 10 किलोमीटर है, बाबा मंदिर दूरी 10 किलोमीटर, बस बाबा का नाम लेते हुए पहुँच जाएंगे। अब थोड़ा फोटो सेशन होगा। बिहार बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं और झारखंड में, झारखंड की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से बाबा मंदिर की दूरी बस 10 किलोमीटर है और अब तो हंसते खेलते चले जाएंगे। अब तो अच्छा लग रहा है और बज रहा है, अभी टाइम 3 बज रहा है। देखिए 3-4 घंटा और जो लगे, 10 किलोमीटर 3 घंटा ऐसा लगेगा जाने में। और बाबा का मर्जी हुआ तो आज जल चढ़ा देंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि जल आज चढ़ जाए, क्योंकि अगर आज नहीं चढ़ेगा तो फिर कल, आज रात भर लाइन में रहना पड़ेगा और कल जल चढ़ेगा, आज चढ़ जाए तो सही रहेगा। और ये रहा चेक पोस्ट। बम जी बिना लिए मत जाइएगा, लेके जाइएगा बम जी। अरे बम जी लेके जाइए, लेके जाइए, लेके जाइए, सूर में मत जाइए, लाइए लाइए, बहुत अच्छे सूर में ने बम जी ध्यान देके। ये मिला है टोकन, यही टोकन मिला है, पता नहीं लगता है इससे आदमी का गन्ना है होता है क्या, समझ में तो आता नहीं है शायद कितना श्रद्धालु भक्त जल चढ़ाए या कितना एंट्री किए यहाँ से, वही इसमें पता चलता होगा। ये जगह जगह जो निःशुल्क सेवा शिविर का सेवा भाव है उसको देखकर यार क्या बताएं, एकदम सुकून मिलता है। जगह जगह निःशुल्क सेवा शिविर लगाए हुए हैं हमारे बम भाई और बहुत अच्छा लगता है ऐसे बम जी में आ करके। देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ निःशुल्क है, सारी चीज़ जो भी आप बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे जगह पर आकर के। और ये पहला नहीं, उधर दिखा नहीं पाया आपको, कम से कम पूरे रास्ते में 1000 से कम सेवा शिविर नहीं होंगे, उतना एक एक करके दिखा नहीं पाए।
लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है जब सेवा शिविर में इस तरह से कोई सेवा भाव लेकर के आता है और ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है वो सामान, क्योंकि उनका जो सेवा भाव होता है वो चीज़ को देख कर रहा नहीं जाता है। थोड़ा देर रेस्ट कर लिया जाए उसके बाद फिर चला जाएगा, क्योंकि अब 8-8.5 किलोमीटर तो है ही, तो 1-2 घंटे में पहुंच जाएंगे बाबा नगरी। लगभग 6 बजे तक, 4 बज रहे हैं, 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद चलेंगे यहाँ से। अभी सोरेन जी से थोड़ा सा हाथ मिला लेते हैं, क्योंकि उधर नीतीश जी इतना ऊपर में लटके हुए थे कि मिले नहीं, तो इन्हीं से मिला लेते हैं थोड़ा सा हाथ। सोरेन जी हाथ मिला लीजिए एक बार, उधर नीतीश जी मिलवे नहीं किए हम बिहारी आदमी के, यार आप ही मिला लीजिए। इधर तो बहुत सारा रहता है, झारखंड सरकार के द्वारा ये बहुत ही शानदार निःशुल्क सेवा शिविर पर्यटन विभाग के द्वारा, पर्यटन विभाग झारखंड के द्वारा बनाया गया है, बहुत ही बड़ा सरकार के द्वारा, आप देख सकते हैं। इधर ये तो बाहरी परिसर हो गया और इसके अंदर आपको ले चलते हैं, इतना अच्छा व्यवस्था है। एक हमारा बिहार सरकार का उधर था पर्यटन विभाग के द्वारा, वो भी बहुत मस्त था, और ये देखिए क्या मस्त व्यवस्था है यार, ओह शानदार। अभी तो खाली है क्योंकि अभी यहाँ से बाबा धाम का दूरी है 6 किलोमीटर, तो अभी तो लोग चलेंगे ही, लेकिन रात में जब नहीं जा पाते हैं तो ये भर जाता है। जिनको जल नहीं चढ़ाना होता है, कल चढ़ाना होता है, तो ये फुल हो जाता है पूरा, आप देख सकते हैं। इतना भव्य लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा देखने में लग रहा है तो बता नहीं सकते हैं। आप वीडियो देख कर ही फील कर सकते हैं कितना अच्छा लग रहा होगा ये वाला। पूरा खाली है, पूरा मैट से एकदम हरा हरा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार। आपको एक बार पूरा कैमरा घुमा कर हम इसका व्यू दिखाते हैं, कितना अच्छा लगेगा ये देखने में। देखिए बैक कैमरा से एक तो वो वाला आपको दिखाए थे, और एक ये है, ये भी बहुत ही बड़ा है। इधर जो आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला है आप देख सकते हैं, ये इधर एक है, और एक इधर वो वाला है, वो बहुत ही बड़ा है एकदम, दो है। चलिए उसमें भी आपको लिए चलते हैं और उसमें भी दिखाते हैं कि उसका व्यवस्था कैसा है, वो कैसा दिख रहा है अंदर से। चलिए ये भी सेम उसी के जैसा है, उसमें मैट हरा था और इसमें मैट रेड है, बस और कोई इसमें चेंजेस नहीं है, और बाकी का तो सारा जो भी है सब एक ही जैसा है। जितना बड़ा वो वाला था उतना ही बड़ा ये वाला भी है, वही है कि बम लोग अभी इसमें नहीं है, और बम लोग भरेंगे रात में, क्योंकि जिनको रुकना होगा वही रुकेंगे। अभी तो सब लोग जाएंगे कि मेरा जल चढ़ जाए, और जिनको लगेगा कि हमको आज नहीं चढ़ाना है तो वो यहाँ पे रुकेंगे रात में। तो दोनों आपको दिखा दिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भव्य व्यवस्था है ये झारखंड सरकार के द्वारा, बहुत ही अच्छा लगा देखने में, बहुत सुंदर। बाहरी परिसर और खूबसूरत है, ये एकदम पार्क जैसा फील आता है इसमें, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, बहुत सुंदर है इसका बाहरी परिसर, एकदम अच्छा लगता है, एकदम होटल जैसा लग रहा है तो सारा इसका एरिया बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से 6.5 किलोमीटर है देवघर की दूरी, और सोच रहे हैं जल चढ़ जाए, बाबा का कृपा के बिना तो संभव है नहीं, कोशिश करें। ये देखिए हमारे फैमिली लोग के जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे आराम कर रहे हैं, यही ये बनाया जो सरकार के द्वारा है, झारखंड सरकार के द्वारा जो सेवा शिविर बनाया गया उसमें भी रेस्ट करते हैं ये लोग, और बस अब कुछ ही क्षणों में चलेंगे यहाँ से और इधर देवघर के लिए निकलेंगे यहाँ से, बस जस्ट अब निकलने ही वाले हैं। Thank you.
देवघर नगरी में प्रवेश कर चुके हैं, बस इंतजार है बाबा मंदिर का और वहाँ जाने का। 2 किलोमीटर और बचा है, दर्द भी अभी तक नहीं हुआ। ये आपको बोर्ड दिखेगा, बाबा मंदिर पहुंचने से पहले संभवतः यह लास्ट विश्राम हम लोग का, क्योंकि अब 2 किलोमीटर है बचा हुआ, तो अब विश्राम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे पहले थोड़ा देर अब हम लोग रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि मम्मी और दादी उधर ही रह गई है उनके इंतजार में, और उसके बाद जाएंगे बाबा को जल चढ़ाएंगे। हम दादाजी और भाई सब साथ में हैं अभी और उनके इंतजार में हैं, वो आएँगे तो यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद जल को संकल्प कराएंगे, शिवगंगा में नहा के और बाबा को जलार्पण के लिए जाएंगे। और फाइनली शिवगंगा पहुंच चुके हैं, शाम के 6 बजे हैं और 6 बजे हम लोग शिवगंगा पहुंच चुके हैं। फैमिली लोग 6 बजे शिवगंगा पहुंच चुके हैं। ये देखिए आपको शिवगंगा का व्यू देखिए, अभी दिन में ही पहुंच चुके हैं 6 बजे। कल सुबह 3 बजे जल उठाए थे और आज 6 बजे पहुंच चुके हैं। अब नहाएंगे और उसके बाद बाबा का जलार्पण होगा। देख सकते हैं आप, भीड़ नहीं है ज़्यादा, कमरिया का संख्या तो हमको दिख नहीं रहा, रास्ता में भी नहीं दिख रहा था और इधर भी उतना दिख नहीं रहा है। इधर से उधर नज़र आपका जहाँ तक जाएगा वहाँ दिखेगा नहीं आपको। बाबा बोला पार लगा दिए, जल्दी से पहुंचा दिए, अब जल्दी से जल भी ले लें बाबा बोला, ताकि भोजन पानी अब कलर से होगा। फलहार खाते खाते यार एकदम मन पूरा घूम चुका है। ना लिए बम स्नान करने के बाद अब बाबा के जलार्पण के लिए हम लोग यहाँ से निकलेंगे। स्नान हो गया और निकलेंगे यहाँ से। चलो चलो जाएंगे, अनाउंस हो रहा है कि कमी भी रहे, जल्दी से आके जल चढ़ाने निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं बाबा के मंदिर में। बोल बम बोल बम, निकल चुके हैं जल चढ़ाने के लिए। अब पंडा जी से जल संकल्प कराने के बाद निकल चुके हैं और बस यह इधर साइड में चल रहा है लाइन और उस पर ही घूम घाम के जाएंगे। थोड़ा टाइम लग ही जाएगा लेकिन लग रहा है यहीं से है। हाँ यहीं से है भाई, आ जाओ जल्दी, नज़दीक से ही है तो हम लोग अब जल चला लेंगे आराम से एकदम। आ जाओ।
संस्कार मंडप, संस्कार मंडप में हो सकता है थोड़ा 10-20 मिनट टाइम लगे, बाद बाकी तो क्लियर है। बाबा के दया से बोल 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 बोल, ये देखिए ये बोल बोल, बाबा का मंदिर बोल 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 बोल, पूरा खाली हाथ आ जाए, साथ आओ साथ आओ, ¡Gracias!
होगा के लगा हुआ है बैठे हुए आ रहा है जस्ट पराठा बहुत तेज दुकान और ये देवघर का गर्मा गर्म पराठा एकदम मुंह में पानी आ चुका है इसका खाया जाएगा बहुत जोर से भूख लगा यार बाबा बोला जल्दी जल्दी जल तो ले लिए और अब खाना खाएंगे हम लोग दबा के एकदम चलिए बम खाना पीना हो गया बम एकदम कड़ा वाला भोजन हुआ बम भूखल थे एकदम नमक का दर्शन नहीं था बम दो दिन से एकदम खाए दबा के अब होगा आराम अब एक बार बाबा का दर्शन कर लेंगे थोड़ा फिर से जाके और उसके बाद होगा रेस्ट मतलब फुल्ली रेस्ट क्योंकि पैर का हालत तो आप जान ही रहे कि क्या हो गया होगा कल ही उठाए थे जब और आज आके ढार भी दिए हैं तो अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा पैर का कंडीशन और ये थोड़ा बहुत मार्केट का नज़ारा देखिए भीड़ है ये ना क्या देखिएगा एकदम कम है।